कल मुझे गगरा साहब ने खुद फ़ोन किए और पूछे मुझसे, डिस्कस किए, 2 मिनट तक बात चली मेरी। तो उन्होंने पूछा तो मैंने बताया उनको ये सब चीज़ें कि चीता कैम में NICU हॉस्पिटल या मेडिकल इमरजेंसी मेडिकल सेंटर इसकी कितनी ज़रूरत है और हमको क्या दिक्कत चल रही है। लल्लूभाई कंपाउंड के कॉर्नर पे MMRDA की तरफ से एक 500 बेड का हॉस्पिटल बन के तैयार है। आपको शायद नहीं पता होगा इसके बारे में। वो हॉस्पिटल भी बहुत जल्द जो है MCGM के हाथ में हैंड ओवर करने वाले हैं। यानी MIST के अंदर 500 बेड इधर, 500 बेड इधर शताब्दी में, यानी 1000 बेड का हॉस्पिटल बनने वाला है। तो उसमें NICU भी होगा, मैटरनिटी होम भी होगा। तो उनका कहना ये है कि इतना बड़ा हॉस्पिटल बनने जा रहा है 1 साल 1.5 साल के अंदर, तो आप लोग अलग से NICU और 100 बेड का हॉस्पिटल क्यों मांग रहे हो? अगर ये काम पहले होता था 3-4 साल पहले, या उससे पहले जो हमारे नगर सेवक थे या MLA थे, MP थे, अगर ये करते थे तो अब ये नौबत नहीं आती थी। लेकिन वहाँ पर हॉस्पिटल बन जाएगा, लेकिन ट्रीटमेंट के लिए तो आपको वहीं जाना पड़ेगा ना, दूर ही जाना पड़ेगा। जाते रास्ते में अगर दम तोड़ दिए तो क्या होगा आपका? राजा सर, बहुत बहुत मुबारक हो, बधाई देते हैं हमारे चैनल की तरफ से आपको कि एशिया की सबसे बड़ी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जिसको MCGM मुंबई महानगर पालिका के मुंबई कमिश्नर जो है, आपसे उनका रابطہ हुआ, आपसे कॉल पे बात हुई उनकी। कई लोग उनसे मिलने जाते हैं, कॉल पे बात करना चाहते हैं, मगर उन्होंने खुद आपको कॉल किया कि आप बता सकते हैं कि क्या बात ऐसी थी कि उन्होंने डायरेक्ट आपको कॉल किया, थोड़ा विस्तार से हम जानना चाहेंगे आपसे। जी, बहुत ही खुशी की बात है, लेकिन ये सब ऊपर वाले का करम है, आप लोग की दुआ है कि कल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो भूषण गगरने साहब है खुद मुझे कॉल किए थे और मुझसे बात की। बात ये थी कि मैं 2 अप्रैल को, इस साल 2 अप्रैल को, जो हॉस्पिटल है और इमरजेंसी मेडिकल सेंटर है हमारे, जो मैटरनिटी होम के बाजू में जो प्रपोज़ल था, काफ़ी साल से उसमें मैं मेहनत कर रहा हूँ और उसमें प्रपोज़ल भी दिए थे, वो पेंडिंग पड़ा था 3 साल से। तो उसके ऊपर मैंने 2 अप्रैल को एक लेटर दिया था कमिश्नर साहब से लेके CM साहब को भी दिया था मैं। तो और उसके साथ साथ आप देख सकते हो वो चीता कैम्प में हर हफ्ते जो है किसी ना किसी को हार्ट अटैक से डेथ होती है। इस तरह से रफीक भाई के जो भाईजन है उनका डेथ हुआ था, उसके बाद स्टार स्कूल के जो सर है उनका डेथ हो गया था। तो ये चीज़ को मैंने गगरनी साहब की जो व्हाट्सएप हैंडल है उधर, उसमें मैंने पोस्ट किया, बोला सर ये देखो एक ही वीक के अंदर 2 डेथ हुए हार्ट अटैक के, तो इसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। चीता कैम्प में लोग ऐसे ही मर के मतलब जाने सकते हैं और लकवा के पेशेंट भी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो इसको देखते हुए कल मुझे गगरनी साहब ने खुद फ़ोन किए और पूछे मुझसे, डिस्कस किए, 2 मिनट तक बात चली मेरी। तो उन्होंने पूछा तो मैंने बताया उनको ये सब चीज़ें कि चीता कैम्प में NICU हॉस्पिटल या मेडिकल इमरजेंसी मेडिकल सेंटर इसकी कितनी ज़रूरत है और हमको क्या दिक्कत चल रही है। और उन्हें बोला कि मैं प्रॉपरली सबको मैं ऑर्डर देता हूँ, फिर एक जॉइंट मीटिंग भी आपसे रखता हूँ, ऐसा उन्होंने वादा किया है। जैसे उनका फ़ोन आया उसके बाद DHO AHO जो मेडिकल हेल्थ सेंटर में जो लोग रहते हैं हेल्थ डिपार्टमेंट में, उनका भी मुझे फ़ोन आया कि सर आपने सर गगरनी साहब को फ़ोन कर दिए। मैंने बोला कि मैंने नहीं फ़ोन किया, उन्होंने खुद इसके बारे में मुझसे पूछे और इन्फॉर्मेशन लिए और उसके बारे में हम लोग अभी बहुत जल्दी जो है जॉइंट मीटिंग रखने वाले हैं। राजा सर, इसके आगे अभी मतलब क्या होने वाला है कि इस पर कुछ काम होने वाला है, क्या आश्वासन दिया गया है आपको? देखिए, मैं चीता कैम्प के लोगों को एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ हॉस्पिटल को लेके, क्योंकि मेरे नज़र में सर सलामत तो पगड़ी 1000। अगर आपका हेल्थ अगर ठीक है, आपका हेल्थ अगर ठीक है तो आप सब कुछ कर पाएंगे। अगर आप बीमार पड़ जाओगे, घर में बैठे रहोगे, आप चल नहीं पाओगे, आपको हार्ट आ गया, कोई प्रॉब्लम हो गया, हेल्थ का कोई भी इश्यू आ गया, तो आप बिल्कुल कुछ नहीं कर पाओगे। इसके लिए हेल्थ को मैं सबसे आगे रखता हूँ। अगर वो हेल्दी रहेगा, अगर चल पाएगा, तो जनता के लिए और खुद के लिए भी कुछ ना कुछ काम कर पाएगा। तो इसको देखते हुए मैंने ये फॉलोअप किया कंटिन्यूअस। और आपको एक बात बता दूँ, कल तो गगरनी साहब ने मुझे फ़ोन किए, परसों हेल्थ का जो वेस्टर्न सबअर्ब के जो IAS ऑफिसर है सुधाकर शिंदे जी, उन्होंने खुद मुझे फ़ोन किया। ये बात अब आपको शायद पता नहीं है, उन्होंने भी फ़ोन किया, बोला कि आपका जो भी इश्यू है मुझे बताइए। मैंने बोला कि मैं गगरनी साहब को मैंने व्हाट्सअप कर दिया हूँ, मैं उनसे बात करने के बाद आपसे बात करूँगा। ये बहुत ही अच्छी बात है। चीता कैम्प में जिस तरह से ये हार्ट अटैक और ये लकवा और बहुत सारे बीमारी फैल रही है, इसको रोकने के लिए हम चाह रहे थे कि चीता कैम्प में एक हॉस्पिटल अपना खुद का बने और एक इमरजेंसी मेडिकल सेंटर बने जिसमें हार्ट का MD मेडिसिन या कार्डियोलॉजिस्ट बैठे और जो भी हार्ट अटैक से जाएगा तो उसकी कॉमन मेडिसिन देके या उसको DCG लेकर आगे पहुँचाने की बात चलेगी। तो इसको लेकर मैंने बहुत सीरियस था, लेकिन
इश्यू ये हो गया है कि इसको इसको प्रपोजल को इम्प्लीमेंट करने में बीएमसी या कई नेता जो है ये इतना लेट किए इसको कि अब वो लोग ये बहाना कर रहे हैं कि शताब्दी हॉस्पिटल जो है उसका एक्सटेंड हो रहा है। पहले से 180 बेड का हॉस्पिटल है, अभी 450 बढ़ाएंगे, यानी 500 बेड के ऊपर हो जाएगा तो टर्जरी हॉस्पिटल कहलाया जाएगा। फिर अब एक नई बात आपको बताता हूँ, शायद बहुत लोग को पता नहीं है, लल्लूभाई कंपाउंड के कॉर्नर पे एमएमआरडी की तरफ से एक 500 बेड का हॉस्पिटल बन के तैयार है। आपको शायद नहीं पता होगा इसके बारे में, वो हॉस्पिटल भी बहुत जल्द जो है एमसीजीएम के हाथ में हैंडओवर करने वाले हैं। यानी एमएस्ट के अंदर 500 बेड इधर 500 बेड इधर शताब्दी में, यानी 1000 बेड का हॉस्पिटल बनने वाला है। तो उसमें एनएसयू भी होगा, मैटरनिटी होम भी होगा। तो उनका कहना ये है कि इतना बड़ा हॉस्पिटल बनने जा रहा है 1 साल 1.5 साल के अंदर, तो आप लोग अलग से एनएसयू और 100 बेड का हॉस्पिटल क्यों मांग रहे हो? अगर ये काम पहले होता था 3-4 साल पहले या उसके पहले जो हमारे नगर सेवक थे या एमएलए थे एमपी थे अगर ये करते थे तो अब ये नौबत नहीं आती थी। लेकिन वहाँ पर हॉस्पिटल बन जाएगा लेकिन ट्रीटमेंट के लिए तो आपको वहीं जाना पड़ेगा ना, दूर ही जाना पड़ेगा। जाते रास्ते में अगर दम तोड़ दिए तो क्या होगा आपका? तो ये सब चीज़ें हैं, ये पब्लिक को पता नहीं है। लोग आके बोलते हैं कि हम लोग हॉस्पिटल बना देंगे, बहुत सारे लोग राजा जो सर, है वो स्थानीय आमदार नवाब मलिक साहब, माजी नगर सेवक शाहनवाज शेख और शिवसेना के नेता दीपक महेश्वरी जी वो अभी भी ये कह रहे हैं कि चीता कैंप म्यूनिसिपल हॉस्पिटल है वहां पर एनआईसीयू लेकर आएंगे, उसको लेकर क्या दावा है? देखिए, मुझे तो हंसी आ रही है इस बात पर। जो लोग बिल्कुल फॉलोअप नहीं कर रहे हैं वो ये सब बातें कर रहे हैं कि हम लोग एनएसयू लेके आ जाएंगे, हॉस्पिटल लेके आ जाएंगे। वास्तविकता ये है कि शताब्दी हॉस्पिटल जो है 500 बेड का बन रहा है। एमएमआरडी ने वहाँ पर हॉस्पिटल 500 बेड का लल्लूभाई कंपाउंड में बना दिया है और वह हैंडओवर होने वाला है। इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल होने के बाद चीता के में एक हॉस्पिटल बनाना अब तो बहुत मुश्किल की बात है। आपको सीधे सीधे बोलता हूँ क्योंकि मैं इसमें डायरेक्ट फॉलोअप में हूँ, इसलिए मुझे कमिश्नर साहब ने खुद फ़ोन किए, मुझसे खुद चर्चा की। मुझे पता है ये सब चीज़ें हैं, हम लोग ने एनएसयू के लिए बहुत कोशिश की लेकिन बहुत सारे बातें आई बीच में, उसको ऐसे एनएसयू भी चला गया। अब ये कह रहे हैं कि शिवाजी नगर में 20 बेड का एनएसयू है तो वहाँ पर आप जा सकते हो, वहाँ पर इतना पेशेंट भी नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ बच्चा पैदा हो के अगर कुछ हो जाता है उसको कौन संभालेगा? जैसे चिता के मैटरनिटी होम हम होम का ये हालत है। मैंने अभी भी लास्ट वीक भी कुछ लोगों को डील किया था उसके अंदर कि वो बोलते हैं कि बच्चा का बच्चा कॉम्प्लिकेशन है, बच्चे का प्रॉब्लम है, आप सहन में चले जाइए, वहाँ पर सहन में नॉर्मल डिलीवरी होता है। और लोग ये भी बोल के डराते हैं कि ये बच्चा का कॉम्प्लिकेशन है, कुछ हो जाएगा तो यहाँ पर एनएसयू वगैरह नहीं है, आप वहाँ चले जाइए तो आपको बेटर हो जाएगा। तो ये कब तक चलेगा? अगर इधर अगर एनएसयू होता है तो चीता कैंप, पालीपाड़ा, ट्रॉम्बे, मानपुर और मंडाला गांव जो है ये सभी एरिया जो है इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं लेकिन ये बीएमसी अभी ये कर रही है, ये बता रही है कि यहाँ पर ऑलरेडी है। मैं आपको बता दूँ, शिवाजी नगर एनएसयू जो है ना वो एस वार्ड से यहाँ पर शिफ्ट किया गया है। एस वार्ड की बिल्डिंग तोड़ के बना रहे तो यहाँ शिफ्ट हुआ है, कभी वापस शिफ्ट हो सकता है। तो तब क्या करोगे आप? ये सब बातें हैं। और दूसरी बात, जो भी लोग हॉस्पिटल के लिए कोशिश कर रहे हैं, जितने भी नाम उन्होंने लिया अभी, मैं सबका स्वागत करता हूँ। सब अपने अपने तरफ से एक वसीला वसब लगा रखे हुए हैं, उनको कोशिश करना चाहिए। लेकिन ये कोशिश अगर पहले करते थे तो ये बहुत बेहतर होता था। अभी भी कोशिश करो, आप जिनको कोशिश करना है आप कोशिश करके लाइए, अस्पताल बने, मेडिकल इमरजेंसी मेडिकल सेंटर बने, एनएसयू बने, मैं इसका वेलकम करता हूँ। क्योंकि चीता कैंप के आवाम को सहूलत मिलेगी और अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा या फ्री ट्रीटमेंट मिलेगा, इसमें मैं कोई अड़ंगा नहीं डालूंगा, मैं इसमें कोई गलत नहीं बोलूंगा, मेरे को कोई आपत्ति भी नहीं है इसमें। वो आए और काम करे। राजा अच्छा, मैं बराबर सर, अभी आपका मतलब आपकी कोई मीटिंग वगैरह है या कोई मतलब आपको बुलाया गया है, आप क्या करने वाले हैं, उसके आगे आपका क्या स्टेप है मतलब? जी, जैसे गगरानी साहब का फ़ोन आया था जो म्यूनसिपल कमिश्नर है, तो उनसे तुरंत मैंने उनको व्हाट्सअप किया कि सर ये बातें तो डिस्कस तो ठीक है क्योंकि हम लोग कई साल से डिस्कशन चल रहा है लेकिन कुछ हो नहीं पाया। और मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि आपके अंडर में आप जिसका नेतृत्व करेंगे उसका एक ज्वाइंट मीटिंग लगाया जाए, जितने भी हेल्थ के जो सेक्टर में हेल्थ डिपार्टमेंट में जितने भी ऑफिसर्स काम करते हैं उनको बुलाया जाए, एक फाइनल मीटिंग रखा जाए कि क्या चीता कैंप में हॉस्पिटल बनेगा या नहीं बनेगा, या इमरजेंसी मेडिकल सेंटर लगा सकते हैं जिसको उन्होंने परमिशन पहले भी दे चुके हैं, वैसा कुछ शुरू करने के लिए, या कम से कम पॉली क्लिनिक जहाँ पर कंसल्टेंट आएंगे, ऐसे चीज़ के लिए भी हमने बात किया है। इस सब चीज़ों में अब कुछ ही दिनों के बाद जो है, जैसे कमिश्नर का फिर मुझे बोले कि उनकी ऑफिस से फ़ोन करेंगे ज्वाइंट मीटिंग के लिए, उस वक्त में ये सब बातें होगी।
महाराजा सर, इसके अलावा भी और कोई मतलब आपके तरफ से चिता कैंप को लेके अब कुछ चीज़ें मतलब ऐसी मतलब कोई होने वाली है क्या, मतलब जिस पे डेवलपमेंट पे, जैसा कि आप हमने देखा था कि आप जो है बहुत ज़्यादा जो एक्स हमारे माजी नगर सेवक थे उनके साथ में आप काम करते थे, तो बहुत सारे मतलब आपका नाम सुनाई देता था कि राजा भाई ने ये काम किया, राजा भाई ने वो काम किया, तो अब जो है आप और भी आगे क्या काम करने वाले हो चिता कैंप के लिए, क्या चीज़ चल रही है आपके दिमाग में? देखिए, चिता कैंप के लिए काम करने के लिए ही मैं यहाँ पर बहुत सारे चीज़ें मैंने नहीं सॉरी कट कर देंगे ये। हाँ बोलो बोलो। देखिए, चिता कैंप के डेवलपमेंट को लेके जितने लोग सीरियस है उतना सीरियस तो मैं भी हूँ, क्योंकि मेरे पास इतने डॉक्यूमेंट्स हैं। मैं सोशल वर्क नहीं करता, मैं सोशल एक्टिविज़म करता हूँ। इसके लिए मेरे को लेटर लिखकर उसके ऊपर फॉलोअप करना पड़ता है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं, आप लेटर तरीके से लेटर लिखोगे और उसको कंटिन्यूस फॉलोअप करेंगे, प्रोफेसर से मिलेंगे तो उसका रिजल्ट मिलेगा। तो मैं हॉस्पिटल का मुद्दा तो मैं इसमें काफ़ी सारे काम कर चुका हूँ। बहुत सारे लोगों को फ्री में भी ट्रीटमेंट दिला के मैं प्राइवेट हॉस्पिटल से निकाला हूँ। इसका बहुत सारे लोग इसका विटनेस है। इसके बाद जो है मेन जो प्रोजेक्ट है जो मेरे दिमाग में चल रहा है, जिसके लिए मैं अभी जो MP है राहुल शिवाले जी, उनसे मेरी मुलाकात भी हुई, उन्होंने मदद करने की बात भी की है मुझसे, वो है DP रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का। जो रोड पीछे से D और E सेक्टर से आ रहा है और लास्ट में SL स्टूडियो में ख़त्म हो रहा है, जिसके जाने से बहुत सारे घर जो है टूटने वाले हैं। इसका मैप जो ऑनलाइन मैप और पेपर का मैप मेरे पास पहले से पड़ा हुआ है। इस DP रोड के ऊपर मैं काम करने वाला हूँ, क्योंकि इसके ऊपर चलते ही मैंने जो वार्ड ऑफिसर उबाले जी थे उनको बुलाकर ई सेक्टर कॉर्नर पर मैंने मीटिंग लगाया था। उसमें काफ़ी सारे लोग आए थे, लेकिन उसके बाद जो है वो प्रोजेक्ट थोड़ा डल गया। अभी इलेक्शन भी है और शायद इलेक्शन के बाद ये मैटर जो है तूल पकड़ेगा। तो मैं इसके बाद जो है DP रोड में खास करके काम करने वाला हूँ। और इसके साथ साथ जो है नेशनलाइज्ड बैंक के लिए मैं शेवाले साहब को बोला था, जिसके बारे में शेवाले साहब ने पार्लियामेंट में आवाज़ भी उठाए थे, तो वो भी कुछ चीज़ों की वजह से डिले हो गया। उसके ऊपर भी फॉलोअप कर रहा हूँ। SBI बैंक जो है चिता कैंप में सैंक्शन हुआ है, लेकिन उसके लिए जगह देखने के लिए और बहुत सारे जो टेक्निकल चीज़ें हैं उसके लिए तो रुका हुआ है। ये सब चीज़ें हैं, मैं फॉलोअप करूँगा एक DP रोड और बैंक लेके। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें भी अगर मुझे वक्त मिले और लोगों का सहायता मिले और जैसे बड़े लोगों का साथ साथ मिले तो मैं ये काम भी करूँगा इंशाल्लाह। राजा भाई, हमने ये भी सुना है कि आप जो है कुछ बिल्डिंग प्रोजेक्ट के लिए भी कुछ काम कर रहे हो चिता कैंप के लिए, तो क्या है असल में, क्या ये बिल्डिंग वाकई में बनने वाली है क्या सर चिता कैंप में? देखिए, ये बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, ये कोई भी इसको सीधा जवाब दे नहीं सकता, क्योंकि ये बहुत सारे चीज़ें इसमें करना बाकी है। बहुत सारे चीज़ हमने मिलकर किए हैं और उसमें और भी बहुत सारे चीज़ पेंडिंग है। ये ऐसा नॉर्मल बात नहीं है कि नवाब मलिक साहब उस दिन बोले कि मैं चिता कैंप में बिल्डिंग प्रपोजल के लिए मैं कुछ करता हूँ, हमने उनको भी हाँ बोला है। मैं भी अपने तरीके से बहुत छोटे लेवल पे जो है इसके बारे में कुछ लोगों से मैंने चर्चा किया हूँ, तो उन्होंने भी वादा किया है करने के लिए। क्योंकि कितने साल तक, 48 साल तो हो गए हमें इधर आकर और 2 साल में 50 साल पूरे हो जाएंगे, और हमको भी एक अच्छी ज़िंदगी जीने का पूरा राइट्स है। और चिता कैंप में एक बिल्डिंग बने और बिल्डिंग जैसा माहौल, अच्छे माहौल मिले, ये हमारे भी सबका एक कोशिश है। जिस उसके लिए भी मैं अपने तरीके से बहुत छोटे लेवल पे कोशिश कर रहा हूँ, लोगों से मेरी बात भी हो रही है और उन्होंने मुझे वादा भी किया और मैं नॉलेज भी सीख भी रहा हूँ कि चिता कैंप में किस तरह से बिना किसी ऑब्स्ट्रक्शन के, जैसे कि फॉरेस्ट का जो ऑब्स्ट्रक्शन है या एयरपोर्ट अथॉरिटी का है, नेवी का पूरा बेस यहाँ पर है, तो इनसे परमिशन लेकर किस तरह से बिल्डिंग बनेगा, ये भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। उस कोशिश के ज़रिए अगर कामयाब होता हूँ तो इंशाल्लाह चिता कैंप में बिल्डिंगें बन सकती है और अब उनकी अच्छी ज़िंदगी मिल सकती है। ठीक है राजा सर, आगे भी हम आपसे जो है इसी तरीके की डेवलपमेंट के बारे में, चिता कैंप के डेवलपमेंट के बारे में हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल के माध्यम से लोगों तक जानकारी पहुंचाने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। आपका भी शुक्रिया, जो प्रहरी आई है, स्टार मुंबई स्टार आई है और ये डेली न्यूज़ आई है, आप सबका शुक्रिया, आपने इस अच्छे न्यूज़ को पब्लिक तक पहुँचा रहे हैं।